माई सेल्फ डॉक्टर राजीव नामदेव इंचार्ज ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग फ्रॉम श्री वैष्णव पर्वनी कॉलेज इंदौर वेलकम्स यू ऑल फिफ्थ सेमेस्टर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स इन द सब्जेक्ट फाइव जीरो फाइव इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग अवर टोडेज मॉड्यूल इज माइक्रो मोशन स्टडी सूक्ष्म गति अध्ययन और इसमें हम थर्बलिक्स के बारे में जानेंगे थर्बलिक्स के बारे में यहाँ आप एक पिक्चर देखें यहाँ पर जो इमेज बनी है इसमें बहुत सारे चित्र ऐसे जो अभी आपको समझ में नहीं आ रहे हैं जो इस क्लास के एंड तक आप समझ जाएंगे और गिल ब्रेथ टू थर्बलिक इसका मतलब भी आप जान पाएंगे इन द लास्ट वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट द मोशन इकोनॉमी या गतिमित के बारे में हमने पढ़ा और प्रिंसिपल्स ऑफ मोशन तो इकोनॉमी रिलेटेड टू यूज ऑफ ह्यूमन बॉडी अरेंजमेंट ऑफ वर्क प्लेस यूज ऑफ ह्यूमन बॉडी में नौ थे वर्क प्लेस में आठ थे और ऑफ टूल्स एंड में पाँच थे तो हम आज पढ़ेंगे माइक्रोमोशन स्टडी या सूक्ष्म गति अध्ययन के बारे में जानेंगे तो इन दिस सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट द माइक्रोमोशन स्टडी सूक्ष्म गति अध्ययन उसकी डेफिनेशन उसके उद्देश्य ऑब्जेक्टिव उसके लाभ एडवांटेजेस और उसकी टेक्निक और फिर हम जानेंगे थर्बलिक के बारे में और साइमो चार्ट साइमो आरिक के बारे में सारांश असाइनमेंट और पठन के सुझाव के साथ हम इस वीडियो को एंड करेंगे नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द माइक्रो मोशन स्टडी की परिभाषा सो मोशन स्टडी इज द टेक्निक ऑफ रिकॉर्डिंग एंड एनालाइजिंग द टाइमिंग ऑफ बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एन ऑपरेशन इन विच द ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग द बेस्ट मेथड ऑफ परफॉर्मिंग द ऑपरेशन तो सूक्ष्म गति अध्ययन एक संक्रिया के मूल तत्वों में लगने वाले समय की रिकॉर्डिंग एवं विश्लेषण करने की तकनीक है जिसमें उस संक्रिया को सर्वोत्तम विधि से करना उद्देश्य होता है इट इज बेस्ट सीटेड फॉर दोज ऑपरेशन एक्टिविटीज आर ऑफ शार्ट ड्यूरेशन एंड आर रिपीटेड हंड्रेड्स ऑफ टाइम यह उन संक्रियाओं अथवा गतिविधियों के लिए अति उत्तम होती है जो कि अल्पकालिक कम समय के लिए और सती पुनरावृत्ति यानी सैकड़ों बार जिनका रिपीटेशन हो रहा हो दीज आर द ऑपरेशन मोशन विच रिकॉयर वेरी स्मॉल टाइम एंड इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू मेजर टाइम फॉर दीज मोशंस एक्यूरेटली एंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय दीज मोशंस कैन नॉट बी due ड्यू टू रिपीटेटिव ऑपरेशन ये वे संक्रिया और गतियाँ हैं जो बहुत कम समय के लिए होती हैं तथा उनको शुद्धता से मापन करना कठिन होता है इन गतियों में लगने वाले समय को हम नगण्य नहीं मान सकते हैं क्योंकि ये अनेकों बार होती है तो उसमें एक बार में बहुत कम समय लग रहा है लेकिन जब वही सैकड़ों बार होगी तो वो समय हमारे लिए मायने रखेगा तो बेसिकली माइक्रोमोसन स्टडी में हम बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑपरेशंस में लगने वाले समय की जानकारी लेते हैं इसके उद्देश्य देखें ऑब्जेक्टिव टू स्टडी द नेचर एंड पाथ ऑफ मूवमेंट्स फॉर ऑप्टनिंग द एलिमेंट्स ऑफ एन ऑपरेशन एक संक्रिया के तत्व को प्राप्त करने के लिए गतियों की प्रकृति एवं पथ का अध्ययन करना टू स्टडी द एक्टिविटीज ऑफ द मशीन एंड द ऑपरेटर अभी हमने माइक्रो लेवल पर देखा अब माइक्रो लेवल पर देखेंगे कि मानव और मशीन की गतिविधियों में क्या है उसकी स्टडी करेंगे टू इम्पार्ट ट्रेनिंग टू द वर्कर्स और ऑपरेटर्स रिगार्डिंग मोशन इकोनॉमी सो दैट अननेसरी मूवमेंट बाई द ऑपरेटर्स मे बी अवॉइडेड तो गति बित्व्यता जो हमने लास्ट उसमें पढ़ा था उसके संबंध में श्रमिक ऑपरेटर के प्रशिक्षण के, के लिए जिससे श्रमिकों को, को अनावश्यक संचालन से बचा जा सके टू कीप परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ द मोस्ट इफिशियंट वे ऑफ परफॉर्मिंग अ टास्क फॉर फ्यूचर रेफरेंस तो भविष्य में एक कार्य को करने के सबसे कुशल तरीके के रिकॉर्ड को अस्थायी रूप से रखने में हम इसका उपयोग करते हैं टू ऑपटेन टाइम डेटा फॉर डेवलपिंग सिंथेटिक टाइम स्टैंडर्ड्स फॉर वेरियस एलिमेंट्स तो विविध तत्वों के उन्नत संश्लेषित समय मानकों के लिए गति समय आंकड़ों को प्राप्त करना ये भी उद्देश्य है और टू रिसर्च इन द फील्ड ऑफ मेथड एंड टाइम स्टडी विधि एवं समय अध्ययन के क्षेत्र में शोध कार्य के लिए भी हम इन आंकड़ों का या इस मोशन के रिकॉर्डिंग का उपयोग कर सकते हैं इसके लाभ देखें इट प्रोवाइड्स द परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ मोशन स्टडी ऑन फिल्म्स ये गति अध्ययन का स्थायी रिकॉर्ड चलचित्र पर देता है

चलचित्र को बड़े कार्यबल को इच्छित गति पर चलाकर साबित कर सकते हैं इट प्रोवाइड्स वेरी एक्यूरेट टाइम फॉर ईच ऑपरेशन और मोशन इन कम्पेरजेंट टू स्टॉप बाई टाइम स्टडी ये स्टॉप बाज की तुलना में प्रत्येक संक्रिय अथवा गति को अत्यंत शुद्ध समय प्रदान करती है और इट हेल्प्स इन मेकिंग डिटेल्ड एंड एक्यूरेट एनालिसिस ऑफ प्रिवेलिंग टेक्निक ये प्रचलित तकनीक का विस्तृत एवं शुद्ध विश्लेषण करने में मदद करती है तो हमने अभी डेफिनेशन देखी उसके अपने ऑब्जेक्टिव्स देखे और ये हमारे लाभ आइए हम टेक्निक की बात करेंगे इसको करते कैसे हैं सबसे पहला स्टेप इस उसमें होती है फिल्मिंग द ऑपरेशन टू बी स्टडी यूजिंग मोशन पिक्चर कैमरा और वीडियो तो जिस संक्रिया का हमको अध्ययन करना है उसका हम चलचित्र कैमरे अथवा वीडियो से फिल्मांकन करेंगे नंबर दो पर आएगा टू एनालाइज द डाटा अब आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए हमें क्या करना होगा रन पिक्चर एट नॉर्मल स्पीड सामान्य गति पर हम चलचित्र को चलाएंगे सिलेक्ट टिपिकल वर्क साइकिल उसमें हम प्रारूपिक कार्य चक्र का चयन करेंगे और फिर रन पिक्चर एट वेरी स्लो स्पूड टू आइडेंटिफाई द मोशन तो गति को पहचानने के लिए हम चलचित्र को अत्यंत धीमी गति पर चलाएंगे और फिर लास्ट में होगा यूज साइमो चार्ट फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा तो रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा के लिए हम साइमो आरएक का उपयोग करेंगे आइए हम चलते हैं इसमें कि ये थर्मलिक क्या होते हैं रिकॉर्डिंग अभी तो हमने की है अब रिकॉर्डिंग किसकी करना है वो हमारे जो बेसिक एलिमेंट होते हैं या मूल तत्व मूल अवयव होते हैं रिवर्स साइकिल के उनको हम थर्मलिक कहते हैं थर्मलिक को क्या कहते हैं हम देखिए फर्स्ट टाइम फ्रैंक बी गिलब्रेथ यूज थर्मलिक टू रिप्रेजेंट फंडामेंटल एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बॉडी इन माइक्रोमोशन स्टडी साइमो चार्ट सर्वप्रथम फ्रैंक बी गिलब्रेथ ने सूक्ष्म गति अध्ययन साइमो आरेखों में मानव शरीर की मूल गतिविधियों को दर्शाने के लिए थर्मलिक का उपयोग किया अब थर्मलिक नाम कहाँ से है ये देखिए गिलव्रत की स्पेलिंग देखिए जी आई एल बी आर ई टी एच -E अब यदि हम टी एच को पहले ले लें टी एच को ले लें और फिर इसके बाद इसको रिवर्स डायरेक्शन में चलते चलें टी एच के बाद ई e, फिर आ गया आर फिर आ गया बी फिर आ गया एल फिर आ गया आई और फिर आ गया जी यानी गिल में टी एच से हम शुरू करके उल्टी दिशा में चलें तो हमको नाम मिलता है थर्बलिक तो चूंकि फर्स्ट टाइम फ्रेंक भी गिलव्रत ने इसका उपयोग किया था अतः उसने ही इनको नाम दिया था साइंटिस्ट ने कि डीज आर दर्मोलिक डिपेंडिंग अपॉन द एक्टिविटीज एटीन थर्मलिक्स आर डिवाइडेड इंटू फॉलोइंग सिक्स ग्रुप्स तो टोटल हमारे पास थर्मलिक हैं अठारह जिनको हमने निम्नलिखित छः समूहों में बांटा है सबसे पहला है इफेक्टिव ऑपरेशन या प्रभावी संक्रियाएँ इसमें तीन है मैनुअल या विजुअल इंस्पेक्शन शारीरिक आदर्श में चार है प्रिसाइज मूवमेंट्स या सूक्ष्म चालों में दो है कंट्रोल एक्टिविटीज या नियंत्रण गतिविधियों में तीन है और जनरल मूवमेंट सामान्य चालों में दो हैं और डेले में चार हैं तो टोटल हमारे अठारह थर्बलिक्स होते हैं अभी थर्बलिक्स कौन से हैं इनको आइए हम वन बाय वन देखें हमको टोटल अठारह देखना है तो नौ नौ की दो स्लाइड है आइए शुरू है। करते हैं हम ये थर्बलिक थर्बलिक में सबसे पहले समूह है तो पहले वाले तीन ले लिए हमने इफेक्टिव ऑपरेशन या प्रभावी संक्रमण जिसमें तीन है मैनुअल या विजुअल ऑपरेशन जिसमें कि चार हैं और प्रिसाइज मूवमेंट्स में दो हैं अब इसमें देखिए गतिविधि क्या क्या ली गई हैं इफ़ेक्टिव ऑपरेशन में लिया गया यूज़ असेंबल और डिसेंबल यूज़ का मतलब होता है यहाँ पर उपयोग करना असेंबल का मतलब होता है वस्तु के भागों को जोड़ना और डिसेंबल का मतलब होता है वस्तु के भागों को अलग अलग करना तो यहाँ पर हम इनका लेटर यूज़ कर सकते हैं यूज़ का क्या कर सकते हैं यूज़ का यू असेंबल का क्या कर सकते हैं ए एसा कर सकते हैं डी ए या फिर हम इनके सेम्बल्स का उपयोग कर सकते हैं देखिए यू का यू ही बना दिया अब इसमें कलर से भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ये आप कलर यहाँ पर देख रहे हैं क्या कलर है पर्पल कलर तो अलग कलर का है ना इसी प्रकार के असम्बल में हम दो ओरिजेंटल लाइन खींचेंगे और उनको दो तिरछी लाइनों से इंक्लाइन लाइनों से क्रॉस कर देंगे वर्टिकल लाइनों से तो ये कलर है वायलेट जबकि डिसम्बल के लिए लाइट वायलेट देख रहे हैं आप दोनों में कलर में अंतर देखिए यहाँ पर डिसम्बल में हम जो दो लाइन खींचे थे ऑरिजेंटल उसमें से केवल एक लाइन ही खींचेंगे एक को हटा लेंगे तो वो सिंबल हो जाएगा डी ए का तो इस प्रकार से तीन हमने देखे यूज यू या ये सेम्बॉल या कलर इसका मतलब उपयोग करना असेंबल या तो हम लेटर से उपयोग करें या फिर ये सिंबल बनाएं या इसका कलर वायलेट डिसम्बल के लिए डी ए ये सिंबल और ये लाइट वायलेट ये थे हमारे इफेक्टिव ऑपरेशन जो यूजअली हम करते हैं अब मैनुअली विजुअल इंस्पेक्शन में हम जो मैक्सिमम काम करते हैं वो आंखों से करते हैं क्या करते हैं हम सर्च फाइंड सेलेक्ट और इंस्पेक्ट तो ये जो हमारे कार हैं चारों ये चारों आते हैं आपके मैनुअल विजुअल इंस्पेक्शन में सर्च का लेटर क्या ले लिया हमने एस एफ का क्या ले लिया एफ़ अब सिलेक्ट का एस लेते तो कन्फ्यूज होते तो इसको कर दिया हमने ए सी और इंस्पेक्ट का ले लिया आई इनके सिंबल बड़े मज़ेदार हैं देखिए आप ये एक आंख बनी हुई है और पुतली हमारी एक कोने पर है जब हम कभी किसी चीज़ को ढूंढते हैं तो हमारी पुतली जो है ऐसे कोने पर घूमती है और यदि चीज़ मिल जाती है फाइंड हो जाती है तो वही आग की पुतली जो है वो सेंटर में आ जाती है तो सर्च का कलर है ब्लैक जबकि इसका कलर है फाइंड का है ग्रे सर्च का मतलब होता है खोज करना और ग्रे फाइंड का मतलब होता है कि खोज निकाल लिया हमने पता कर लिया कहाँ रखा है सिलेक्ट में देखिए एक एरो बनेगा जो लाइट ग्रे कलर का रहेगा हमने चयन कर लिया है और इंस्पेक्ट मतलब आई ये आई इस तरह का बनेगा सिंगल लाइन नहीं बल्कि इस तरह वर्टिकल में गोला बनेगा ये वंट आकर कलर का है जलती हुए जो कलर आती है लो की वो वाली कलर है जलती हुई लो जो अपन देखते हैं इसका मतलब होता है निरीक्षण करना अब आंखों से हमने क्या किया मान लीजिए हमारी टेबल पर हमें इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की बुक ढूंढना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे टेबल पे सर्च करेंगे बुक्स को सर्च को फिर उसमें हमें इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग लिखा हुआ मिल जाएगा वो क्या हो गया फाइंड कर लिया अब वहाँ पर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का बुक भी है क्यू भी है तो हम सेलेक्ट करेंगे कि हमें बुक चाहिए तो हमने उसको सेलेक्ट कर लिया और फिर इसके बाद चेक कर लेते हैं कि ये डिस्टेंसिंग ही है तो ये चारों ऑपरेशन जो है हमारे मैनुअल या विजुअल इंस्पेक्शन से आते हैं जिसमें इनके मतलब है प्रिसाइज मूवमेंट से चालू होती हैं पोजिशन या प्री पोजिशन पोजिशन के लिए पी, -पी और प्री पोजिशन के लिए पी पी करते हैं इसमें कलर्स देखिए आप यहाँ पर ये नाइन टाइप का बना हुआ है ये पोजिशन का है जबकि एक बोटल और ढक्कन लगा हुआ है जो दिख रहा है वो प्री पोजिशन का है तो ये कलर है आपका ब्लू और ये वाला कलर है पेल ब्लू तो वस्तु को हाथ से स्थान पर रखने को बोलते हैं पोजिशन और जबकि पूर्व निर्धारित स्थान पर वस्तु को रखते हैं तो उसको बोलते हैं प्रीपोजिशन तो दोनों में अंतर है पोजिशन और प्रीपोजिशन में ये आप समझ लें सिम्बॉल हैं ये लेटर्स हैं ये इनका कलर है जिस कलर से बने हुए हैं वो कलर हैं और तो ये इनके कलर ये होते हैं अब आप एग्जाम में तो केवल ब्लू कलर से ही अपनी परीक्षा में बनाएंगे तो वहाँ कलर नहीं लिखें लेकिन आप जब हम साइमो चार्ट बनाएंगे तो या तो हम लेटर का उपयोग कर सकते हैं या सिंबल का जो भी इजी पड़ेगा आपको उसका आप उपयोग करेंगे इसको हम साइमो चार्ट में देखेंगे आइए ये हमारे होगा नो अब नो और देखते हैं नो जो है वो एक कंट्रोल गतिविधियाँ हैं कंट्रोल क्या होता है ग्रेस्प यानी वस्तु को हाथ में पकड़ना होल्ड यानि वस्तु को किसी युक्ति से पकड़ना जैसे पिंचज से पकड़ना या सन्सी से पकड़ना और रिलीज यानी वस्तु को छोड़ना तो ये हमारी कंट्रोल है तो ग्रेस में आप देखते हैं कि आपका हाथ कैसे जाता है इस प्रकार से जाता है किसी चीज को पकड़ने में ये है ना और जब पकड़ लेते उठा लेते हैं तो कैसे करते हैं इसको होल्ड और इसको छोड़ देते हैं तो कैसा ऐसा कर दिया तो यही सिम्बल्स यहाँ पर हैं। यह है ये देखिए ग्रेस्प का ऐसा बना है उल्टा यू इसमें नीचे हथेली लगी हुई है उल्टी यू के नीचे तो होल्ड हो गया और आपने इसका उल्टा कर दिया तो नीचे की तरफ वस्तु गिर जाएगी अब तो ये रिलीज हो गया कलर इनके हैं रेड ग्रेस्प का जबकि होल्ड का है गोल्ड आकर मतलब सुनहरी लो और ये कैरामाइन रेड जो है ये आपका है रिलीज का तो ये हो गया हमारे तीन ग्रेस होल्डर रिलीज अब जनरल मूवमेंट जो होते हैं वो देखिए आप जनरल मूवमेंट क्या होते हैं कि अब हम लेकर के चल रहे हैं तो हमारे हाथ में कोई सामान है तो वो क्या हो जाएगा वस्तु साथ में जा रही है मतलब क्या हो गया ट्रांसपोर्ट लोडेड और यदि हम खाली हाथ आ रहे हैं तो क्या हो गया ट्रांसपोर्ट अनलोडेड यदि हमें किसी चीज़ वस्तु को उठा के लाना है तो जब हम उस वस्तु तक जाएंगे तो क्या जाएंगे ट्रांसपोर्ट अनलोडेड देखिए यहाँ पर ऐसा बना दिया और इसमें कोई भी सामान नहीं है जबकि इसके अंदर हमने एक और गोला बना दिया तो उसको क्या हो रहा है ट्रांसपोर्ट लोडेड हम उसको लेकर के आ रहे हैं हथेली में तो ये वाला ट्रांसपोर्ट लोडेड है वो ग्रीन कलर का होता है जबकि ये बादामी ग्रीन ओलिव ग्रीन कलर का होता है हमारा ट्रांसपोर्ट अनलोडेड तो इस प्रकार से दो है हमारे जनरल मूवमेंट लास्ट में बचते हमारे चार डिलेस अब देरियाँ जब होती हैं उनको पता करना हो तो एक तो हो सकता है प्लान चूंकि हम पोजिशन में पी यूज कर सकते हैं तो यहाँ पर हम पी एन करेंगे प्लान में लेटर में रेस्ट के लिए आर अवॉयडेबल डिले के लिए ए डी और अनेबल डिले के लिए यू डी अब आइए यहाँ पर अपन देखें तो रेस्ट जब प्लान कब आदमी करता है तो कुर्सी पर सीधा बैठा रहता है आदमी और उसके हाथ जो लगे रहते हैं टेबल पर रख कर और ठुड्डी पर अपने हाथ रखता है तो ये शेप बेसिक रहा है ना एक कुर्सी पर आदमी बैठा हुआ है और सोच रहा है तो जब श्रमिक मस्तिष्क में योजना बना रहा हो कि मुझे काम कैसे करना हो तो उसका पोजीशन ये रहती है इसको हम प्लान इस सिंबल से बताएंगे जबकि यदि वही ऐसा कुर्सी पर पैर लंबे फैला करके बैठ जाए तो उसको क्या बोलेंगे अपन वो रेस्ट कर रहा है यानी श्रमिक आराम कर रहा है अब, अब अवॉइडेबल डिले किसी कारण से हो रहे हैं जिनको हम रोक सकते हैं तो वो येलो कलर है और यहाँ पर येलो कलर बहुत उससे दिख नहीं रहा तो ये देखिए आप इस प्रकार का सिम्बॉल है कि एक आपने ऐसा लिया एक यूँ गए और यहाँ पर गोल बना दिया तो ये येलो कलर है जो शायद अब आपको क्लियर हो गया होगा ये अवैडेबल डिले का है और अन डिले के लिए आप ये नीचे जो देखिए आप लेमन येलो कलर से सिंबल बना है तो वो कार्य में देरी को नहीं डाल सकते तो अवाइडेबल डिले अन डिले तो इस प्रकार से हमारे पास टोटल देखें तो आप ये अठारह थर्बलिक हो गए कौन कौन से सर्च फाइंड सेलेक्ट ग्रेस होल्ड ट्रांसपोर्ट लोडेड ट्रांसपोर्ट एम्प्टी टी पोजिशन असम्बल Use, डिसम्बॉल inspect, preposition, re reload, unavoidable delay, avoidable delay, plan प्लान और rest। तो ये अठारह अच्छा सिंबल जो आपको यहाँ दिख रहे हैं ये इनके कलर अलग अलग हैं इनको कलर्स से बनाया जाता है सिंबल में लेकिन यदि कलर उपलब्ध ना हो तो आप या तो इनके सिंबल या फिर इनके लेटर जो हमने देखे हैं उससे भी बना सकते हैं तो हम इसका उपयोग देखते हैं कि हम इसको यूज कैसे करते हैं तो इसके लिए हम चलते हैं साइमो चार्ट पर साइमो चार्ट जो होते हैं ये हमने इनिशियली रिकॉर्डिंग टेक्निक में पढ़ा था वहाँ पर छोड़ दिया था कि हम इसको आगे पढ़ेंगे तो आइए हम साइमो चार्ट को देखें साइमो चार्ट सोस टाइम आइदर इन विंक और टी एम यू यम ने पिछली वीडियो में देखा है कि विंक मतलब पॉइंट ट्रिपल जीरो फाइव मिनट होता है और टी एम यू जो होता है वो पॉइंट ट्रिपल जीरो सिक्स मिनट होता है क्योंकि विंक में एक मिनट में दो हज़ार विंक होते हैं और टी एम यू में एक घंटे में एक लाख टी एम यू होते हैं तो उससे ये निकाला गया है कन्वर्जन पिछले में मैंने आपसे असाइन ने भी पूछा था अब यहाँ पर देखिए ये लेफ्ट हैंड है, है थर्बलिक है टाइम है थर्बलिक है और राइट हैंड है यानी हमने लेफ्ट हैंड राइट हैंड चार्ट पढ़ा था उसमें हम कौन से पांच सिंबल यूज करते थे ऑपरेशन ट्रांसपोर्ट है ना डिले परमानेंट स्टोरेज तो इस प्रकार के ये इंस्पेक्शन पांच करते थे अब यहाँ पर हम थर्बलिक का उपयोग कर रहे हैं तो देखिए समय इसमें बहुत कम लग रहा है लेकिन ये कई बार होता है तो ये देखिए समय फिर ज़्यादा हो जाता है तो इसलिए हम इसमें थर्मलिक्स का उपयोग करके साइमो चार्ट बनाते हैं अब देखिए लिफ्टिंग वर्क पीस। एक वर्कर का लेफ्ट हैंड जो है वो सर्च कर रहा है और लिफ्ट कर रहा है तो सर्च के लिए क्या जाएगा एस और लिफ्ट होल्ड यह आ जाएगा एच है ना तो ये हो गया अपना इसमें टाइम कितना लगा विंक में चार सौ फिर क्लैंपिंग वर्क पीस इन वाइस तो प्री पोजिशन है मतलब पहले निर्धारित स्थान पर वो रख रहा है इसमें राइट हैंड बाइस को ओपन कर रहा है मतलब यूज़ कर रहा है क्लैंपिंग वर्क बीस इन दाइस प्रीपोशन कर रहा है आठ सौ टेक दार सौ कर रहा है डू देंड फिलिंग ऑपरेशन इसमें यूज हो रहा है तो दो हजार विंग क्ली हो रहा है यहाँ पर यहाँ पर हैंड फिलिंग ऑपरेशन हो रहा है और ट्रांसपोर्ट लोडेड हो रहा है टेकिंग द माइक्रोमीटर लोडेड राइट और चेक द डायमेंशन इंस्पेक्ट कर रहा है सोलह सौ में ये चेक द डायमेंशन ये भी चेक कर रहा है तो इंस्पेक्ट है छः सौ फिर इसके बाद ओपन द बाइस तो यूज़ हो रहा है राइट हैंड और आखिरी में लेफ्ट हैंड से रिमूव द वर्क पीस तो यानी ट्रांसपोर्ट लोडेड चार सौ तो इस प्रकार से सामो चार्ट में हम ये यह यहाँ पर हमने लेटर्स का उपयोग किया है हम चाहते तो वो सिम्बुल्स का भी उपयोग कर सकते थे तो इस प्रकार आज की इस क्लास में हमने माइक्रोमेशन स्टडी को जाना इसमें डेफिनेशन उसकी पढ़ी ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य एडवांटेज या लाभ तकनीक उसकी देखी कि तीन स्टेप्स हैं पहले फिल्मिंग इसके बाद फिर एनालाइजिंग डाटा फिर रिकॉर्डिंग यूजिंग द साइमो चार्ट और हमने थर्बलिक्स के बारे में जाना तो इस क्लास में इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपके एग्ज़ाम में है वो है थर्बलिक तो अठारह तरह के थर्बलिक उनके सिम्बॉल उनके कलर के नाम या उसका मीनिंग आप समझ चुके हैं क्या है तो इस प्रकार असाइनमेंट में सबसे पहले आप माइक्रोमोशन स्टडीज से क्या समझते हैं उसकी परिभाषा लिखें उसके ऑब्जेक्टिव्स और एडवांटेजेज लिखें थर्बोलिक को परिभाषित करें थर्बोलिक की परिभाषा क्या है फंडामेंटल ह्यूमन बॉडी मोशन और रिप्रेजेंट एटीन थर्बोलिक्स फॉर सिक्स एक्टिविटीज ग्रुप यूजिंग फिगर एंड लेटर सिम्बॉल तो छह गतिविधि के लिए अठारह थर्बलों को चित्र एवं अक्षरों के द्वारा प्रदर्शित करना है ये वाला क्वेश्चन यूजली परीक्षा में आता है कि दस सिम्बॉल या छः सिम्बॉल या पूरे सिम्बॉल बनाए या नाम से भी आता है कि यूज़ का कौन सा सिम्बॉल है या पोजिशन का कौन सा है तो वो आपको याद रखना है तो इसके बाद ये आपको इन बुक्स में ही मिल जाएंगे मोशन स्टडी चैप्टर के अंतर्गत जो सजेस्टेड रीडिंग्स हैं इसमें हिंदी की बुक भी है औद्योगिक अभियंतरण जे सी विश्वकर्मा सर औद्योगिक इंजीनियरिंग के डी सक्सेना सर और बाकी ये इंग्लिश में तो काफ़ी मटेरियल है तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज वीडियो थैंक यू वेरी मच